दोस्तों, क्या हाल आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, सालार वर्सेस डंकी या डंकी वर्सेस सालार, भाई साहब इन दोनों को लेकर मार्केट में क्या चल रहा है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ऑलमोस्ट एक हफ्ता गुजर चुका है। नॉर्मली क्या होता है, बड़ी सी बड़ी फिल्म हो, छोटे से छोटी फिल्म हो, एक हफ्ते के अंदर उसकी अपडेट्स खत्म हो जाती हैं। लेकिन इधर सालार वर्सेस डंकी के केस में ऑलमोस्ट एक हफ्ता हो चुका है और भाई साहब हर एक दिन में, बल्कि दिन तो बहुत ज्यादा हो गया है, हर एक घंटे में विद इन अ वन आवर के अंदर भाई साहब कोई ना कोई बड़ी छोटी अपडेट्स आ ही रही है। कोई फैन को लेकर है, कोई किस को लेकर है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर को लेकर है, कोई क्रिटिक्स को लेकर है, कोई यूट्यूबर्स को लेकर है, मतलब कि भाई कुछ ना कुछ देखने को जरूर ही मिल रहा है। अब गाइस, जहां पर इतनी ज्यादा अपडेट्स आ रही हैं वहीं पर आप सब जानते भी हैं कि सालार के जो मेकर्स हैं उनकी तरफ से हमें अभी फिर न्यू रिलीज डेट पे एक पोस्टर भी देखने को मिला था, टीजर भी देखने को मिल चुका है। वहीं पर शाहरुख खान के फैंस पूछ रहे थे कि भाई डंकी का क्या सीन है, मतलब कि डंकी आप सबको पता भी है कि एक क्लासिक टाइप फिल्म है, एक एक्शन टाइप फिल्म नहीं है। जब एक एक्शन टाइप फिल्म होती है ना, तो एक एक्शन टाइप फिल्म में से बहुत से कॉन्टेंट निकल आते हैं, लाइक टीजर, प्रोमो, अनाउंसमेंट वीडियो, ट्रेलर, सब कुछ निकल आता है। लेकिन एक क्लासिक फिल्म के अंदर ज्यादातर डायलॉग्स होते हैं, इमोशंस होता है, तो वो चीजें इतनी ज्यादा रिवील नहीं की जा सकती। तो बहुत से लोगों का पूछना था कि भाई क्या डंकी का टीजर भी आएगा या सिर्फ ट्रेलर ही आएगा, और कोई कंटेंट आएगा तो कब आएगा, या हमें कोई नया पोस्टर देखने को मिलेगा। क्योंकि गाइस देखिए, डंकी का अभी तक हमें एक अनाउंसमेंट वीडियो जो कि लास्ट ईयर थे, उसके अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो गाइस अभी फाइनली एक न्यूज मिली है जिसको मतलब देखकर मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ, मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना बनता है। गाइस न्यूज ये मिली है कि इसी मंथ, यानी कि ये अक्टूबर का मंथ है, अक्टूबर के जो लास्ट डेज होंगे गाइस, अब गाइस वो लास्ट डेज कौन से होंगे ये तो नहीं पता, वो 25th ऑफ अक्टूबर भी हो सकता है, 6th भी हो सकता है, 7th भी हो सकता है, या फिर 30th ऑफ अक्टूबर भी हो सकता है। पता नहीं ये मंथ 30th का है या 28th का, बस देख लीजिएगा। लेकिन जो भी है कि अक्टूबर के लास्ट जो डेज होंगे उनके अंदर हमें डंकी का एक पोस्टर देखने को मिलेगा जो कि शाहरुख प्लस तापसी पन्नू का होगा। अब गाइस मुझे लगता है कि ये जो पोस्टर होगा बेसिकली मे बी ये टीजर की अनाउंसमेंट हो सकती है। वैसे तो गाइस न्यूज यही मिल रही है कि टीजर ऑन दिवाली है, यानी कि आई थिंक सो 10th या 11th या 12th ऑफ नवंबर, यानी कि जिस दिन टाइगर 3 आएगी उस दिन डंकी का टीजर। लेकिन अगर मैं अपना पर्सनली ओपिनियन दूं तो मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि डंकी का ये लोग टीजर रिलीज करेंगे शाहरुख खान की बर्थडे पे, यानी कि 2nd ऑफ नवंबर, और उससे बढ़िया दिन मैं कहता हूं भाई साहब कोई हो ही नहीं सकता। खुद सोचिए 2nd ऑफ नवंबर को टीजर आ जाए और गाइस उसके बाद जैसे ही 8 दिन बाद टाइगर 3 आती है तो टाइगर 3 के साथ थिएटर में डंकी का टीजर चलाया जाए, तो एक बवाल लेवल की प्रमोशन हो सकती है। अगर ये लोग डायरेक्ट डंकी के साथ भी टीजर, टाइगर 3 के साथ भी टीजर रिलीज करते हैं तो भी ठीक है, लेकिन आई थिंक सो मुझे लगता है ये शाहरुख खान की बर्थडे को वेस्ट नहीं होने देंगे। शाहरुख खान की बर्थडे पे ये लोग कोई ना कोई कंटेंट लाएंगे। और ये कहना कि सिर्फ टीजर आएगा या ट्रेलर आएगा, तो गाइस नहीं, इस फिल्म का टीजर भी आएगा और इस फिल्म का ट्रेलर भी आएगा। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जो लास्ट ईयर फिल्म आई थी लाल सिंह छड्डा, भले वो फिल्म जैसी भी रही है लेकिन वो एक क्लास टाइप फिल्म थी, भले वो फ्लॉप हो गई जो भी था, लेकिन अब गाइस देखिए उसका भी टीजर आया था एंड उसका भी ट्रेलर आया था, आई थिंक सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग कोई ऐसा ही था। अब मैंने एग्जैक्टली मुझे उसका कुछ याद नहीं है, भूल ही चुका हूं, आप भी भूल ही चुके होंगे। तो गाइस इसका टीजर भी आएगा, ट्रेलर, बस सीन ये है कि टीजर में भी ये लोग एज अ अनाउंसमेंट वीडियो के तौर पर ही बता दें या फिर रिलीज डेट 22nd ऑफ नवंबर को कंफर्म करने का बता दें, छोटा मोटा कोई में भी एक आधा डायलॉग हो जाए शाहरुख खान का, ज्यादा कुछ ना दिखाएं, ऐसा ही होने वाला है। वैसे भी अगर मैं आपको बताऊं तो भाई साहब डंकी की कल एक पिक्चर आई है मेरे पास और वो पिक्चर देखकर मैं शॉक्ड हो गया हूं। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा तो नहीं, लेकिन मैं एक चीज जरूर बताऊंगा कि डंकी जिन लोगों को लग रहा है कि छोटे स्केल की फिल्म है, मुझे भी पहले ऐसा ही लग रहा था कि डंकी एक छोटे स्केल की फिल्म है, लेकिन कल जो मैंने देखा वो देखकर एक बार मैं हिल गया। भाई डंकी का स्केल इतना बड़ा है, इतना बड़ा कि भाई आप लोग एक दफा शॉक्ड हो जाओगे। भाई साहब मैं अगर आपको सिंपल बताऊं तो एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूं, बस आप लोग ना बजरंगी भाई जान जो सलमान खान की फिल्म थी उसका एंड जो था ना, एंड वो माइंड में रख लेना, बस वैसा मुझे कुछ देख मतलब एक पिक्चर देखने को मिली है, तो वो देखकर तो मैं तो मजा आ गया मुझे। तो खैर दोस्तों देखते हैं कि क्या होता है, बाकी मजा आने वाला है भाई। तो खैर दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, होप सो आपको वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगले हम यहां, थैंक्स फॉर वॉचिंग।